जयपुर शहर के अंदर हमने क्या किया ये मैंने आपको बताया, और भी बहुत सी बात बता सकता हूं, लेकिन इन्होंने क्या किया वो बता दूं। एक मिनट में बता दीजिए। इन्होंने द्रव्यती योजना लेके आए, कीचड़ से भरी हुई है, एक काम नहीं किया जयपुर शहर के लिए इन्होंने, और कोई उसकी प्लानिंग नहीं करी, अधूरी छोड़ दी योजना को, ठेका प्रणाली करी, सिर्फ ठेकों का काम किया। शहर के अंदर एलईडी के नाम पे, बिजली बचत के नाम पे एलईडी की एक स्कीम लेके आए, एक ही फर्म को पूरे राजस्थान का ठेका दे दिया, दुनिया भर का करप्शन हुआ उन लोकल बॉडीज में जिसमें देने का पैसा नहीं है, चाहे जोनल डेवलपमेंट प्लान का मसला हो और चाहे मसला हो एलईडी का। इन्होंने ठेका प्रणाली का काम किया और ठेके दिए, और हद तो जयपुर शहर के नगर निगम में कर दी, बीवीजी को ठेका दे दिया। ये सांगानेर से आने वाले विधायक बैठे हैं यहां पर, ये मेयर थे तब, और पिछली बार ये कह रहे थे जब मैंने बीवीजी की चर्चा करी कि पूरा शहर सड़ रहा है, और जब बीवीजी ये एफिडेविट, इनसे एफिडेविट ले होगी, मैं मेयर था क्या उस समय, ये एफिडेविट लो इनसे, खुशी है ये बताते हुए सभापति महोदय, मुझे इन्होंने सदन में कोई बात नहीं है, एफिडेविट टेबल करें कि मैं मेयर था क्या, ये बताते हुए सभापति महोदय, बीवीजी 100 करोड़ लेके जा रही थी, सभापति महोदय हमने बीवीजी, सभापति महोदय इनसे एफिडेविट, इनसे एफिडेविट लो, 30 करोड़ रुपए सालाना, ये कह रहे मैं मेयर था, मैं उस समय मेयर था ही नहीं, मैं तो मेयर बाद में बना, इनकी इनसे एफिडेविट लो पहले, इनकी मेयर क्या, ये एफिडेविट दे रही है, किस बात की, ये रामगंज चौपड़ पे खड़े होकर बोल रहे हैं क्या, ये सदन है, इनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, रामगंज की तरह नौसिखिया बात करते हैं यहाँ खड़े होकर, ऐसे में सोचते हैं ये हो गया ये हो गया, आप तो एफिडेविट दो ना, मैं मेयर था क्या, नौसिखिया तरीके से बात खड़े होकर रामगंज चौपड़े क्या, यहाँ खड़े होकर सदन में बोल रहे हैं, इनसे एफिडेविट लो, ये नौसिखिया तरीके से बात कर रहे हैं, पिछली बार भी इन्होंने कहा जब मैं सदन में नहीं था, आज भी ये कह रहे हैं मैं मेयर ही बाद में बनाऊं, ये उससे पहले ही बोल रहे हैं, ये रामगंज चौपड़ नहीं है, ये रामगंज चौपड़ नहीं है, एफिडेविट दो यहाँ पे, और एफिडेविट दो ना, एफिडेविट दो यहाँ पे, एफिडेविट दो ना, खड़े होकर क्या वापस करें, एफिडेविट दो, आप एफिडेविट दो ना, यदि इतने सच्चे हो तो लगाओ एफिडेविट यहाँ पे, क्या बात कर रहे हैं, जवाबदारी के साथ, ये पक्षपात नहीं, हम खड़े होते तो बिठा देते हैं विधानसभा में बोलने के लिए, बिठाते हो, ये क्यों बकवास कर रहे हैं, कोई राम प्रक्रिया आवश्यकता नहीं है, बोलेंगे झूठ, नौसिखिया कैसे बताए ना कौन है, आप नौसिखिया कैसे बोल सकते हो, नौसिखिया बोल रहा हूँ ना मैं, आप क्या बोल रहे हो, नौसिखिया बोल रहा हूँ, नौसिखिया बोल सकते हो, नौसिखिया बैठिए बैठिए। सभापति महोदय, मान्य सदस्य ने सांगानेर से आने वाले मान्य सदस्य को नाम लेकर आरोपित किया, नाम लेके नहीं, तो सांगानेर से आने वाले बन जाता है कि स्पष्टीकरण दे, वरना रिकॉर्ड पर वो बात चली जाएगी, इनके पास अगर तैयारी नहीं है तो इनको अनर्गल आरोप लगाने का अधिकार नहीं, तैयारी है और पूरी पूरी मजबूती के साथ कह रहा हूँ, थैंक यू, जैसे ही एक एक थैंक यू मान्य सदस्य, एक एक शहर से मैं अपनी बात है क्या आपके पास में, थैंक यू, अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले सदन में इस बात की चर्चा चली थी, जो सदस्य नहीं उसके नाम से कोई उन पर आरोपित नहीं करे, ये सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य, जो मामला, जो मामला न्यायालय न्यायालय में है, फैलाना चाहते हैं, सनसनी फैलाना चाहते हैं, बहुत बड़ी सदस्य फैलाना चाहते हैं, क्या बात है, आप दलाली को ये जिनका नाम ले रहे हैं प्रचारक का, श्री प्रताप सिंह वो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मामला न्यायालय में उसमें किस लिए बोल रहे हो, जो मामला न्यायालय में है, जो मामला न्यायालय में विचार नहीं है, अब आप बता दीजिए, आप खड़े बोल रहे हो, बैठिए, अनर्गल बात करते हैं, श्री नरपत सिंह से तथ्यों की बात करते हैं, नरपत सिंह की गाली सुनने के लिए नहीं बैठे हम, श्री नरपत सिंह जी राजवी, सर कंक्लूड करने दो मिनट, कंक्लूड करने दो सर, दो मिनट होगी बात, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, प्लीज प्लीज बैठिए 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 आप बैठिए, आप चालू करिए आप, अध्यक्ष महोदय बैठिए बैठिए बैठिए, अध्यक्ष अंकित जी नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, बोलिए आप बोलिए प्लीज, सभापति महोदय सुनिए, सभापति महोदय
शहरी यूडीएच अर्बन डेवलपमेंट